Let's talk about media ecology. This is all about our lecture number 3. And in this lecture, we will discuss about the core theory of media ecology. सही है? ये core theory क्या है media ecology की? तो सबसे पहले एक basic definition से start करते हैं. सही है जी. तो अगर हम बात करते हैं media ecology की theory के हवाले से, media ecology थ्योरी, ये बात जहन में रखिएगा. वेन एवर यू आर गोइंग टू आंसर द मीडिया इकोलॉजी क्वेश्चन, सो यू नीड टू रेफर टू दिस थ्योरी पर्टिकुलरली. ठीक है, आपने इस थ्योरी को रेफर लाजमी करना है. ठीक है, एक्चुअली मीडिया इकोलॉजी थ्योरी क्या चीज है? दिस इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ द मीडिया. हमें पता है मीडिया इज अ प्लूरल ऑफ डिफरेंट मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन. सही है जी. इट्स अ स्टडी ऑफ मीडिया टेक्नोलॉजी. हम टेक्नोलॉजी को स्टडी करते हैं इसके अंदर, टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, इन तमाम चीजों को हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, टेक्नोलॉजी. इसके बाद हम दूसरी चीज डिस्कस करते हैं कम्युनिकेशन के हवाले से. इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले अपने इनिशियल लेक्चर्स के अंदर आपको सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज कम्युनिकेशन डिस्कस किया, और वी आर गोइंग टू डिस्कस मीडिया इकोलॉजी थ्योरी में स्टडी ऑफ द मीडिया आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया, कम्युनिकेशन आ गया, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, बल्कि इसको इस तरह से लिखते हैं, हाउ दे अफेक्ट. ह्यूमन एनवायरमेंट्स. हम इस बात को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें इंसान के एनवायरमेंट्स को किस तरीके से अफेक्ट करेंगे, इंसान के सोचने का तरीका, इंसान के कंजम्पशन का तरीका, इंसान की लाइफस्टाइल, इंसान की वैल्यूज, नॉर्म्स, ट्रेडिशंस, क्या ये तमाम चीज़ें हमारा मीडिया अफेक्ट कर रहा है? वी विल डिस्कस ऑल अबाउट दिस. ठीक है, हम मीडिया इकोलॉजिकल थ्योरी में डिस्कस करते हैं. देखिए, इकोलॉजी के जो अगर मैं वर्ड के मीनिंग के तौर पर बात करूं, इट्स ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ एनवायरमेंट्स. आप एनवायरमेंटल स्टडी कर रहे हैं. अब जब आप मीडिया इकोलॉजी की बात करते हैं, तो वी विल डिस्कस अबाउट हाउ द मीडिया इटसेल्फ, हाउ द टेक्नोलॉजी, हाउ द कम्युनिकेशन साइंसेस इज क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर, और आप कह सकते हैं ह्यूमन एनवायरमेंट को किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं. देखिए, अगर मैं इसकी आपको बहुत बेसिक सी एग्जाम्पल दूँ, तो जब ऑटोक्रेटिक या फिर आप कहते हैं किंगडम्स थी, मोनार्कीज एग्जिस्ट करती थी, उस दौर में फ्रीडम ऑफ स्पीच की कोई थॉट ही एग्जिस्ट नहीं करती थी दुनिया के अंदर. फ्रीडम ऑफ स्पीच हो ना हो किसी को फर्क नहीं पड़ता था. लेकिन आज की दुनिया के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच इंसान की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है. यूनाइटेड नेशंस कहता है कि इंसान को बोलने और सोचने की आज़ादी होनी चाहिए. तो ये तमाम चीज़ें दरअसल आप मीडिया इकोलॉजी थ्योरी में स्टडी कर रहे होते हो. ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ आते हैं. सही है, अगर मैं मीडिया इकोलॉजी थ्योरी के फाउंडर्स की बात करूं, कि इसका बैकग्राउंड कहां से पैदा हुआ और किस तरह से डेवलप हुआ, तो कहा जाता है 1964 के अंदर. अब आप सोचें 1964, ठीक है, मेरे अब्बा की भी डेट ऑफ बर्थ 1965 है, तो जो उनसे भी एक साल पहले, एक थ्योरिस्ट था, उसका नाम था मार्शल मैक्लुहन. इसका नाम रट लो या याद कर लो या तावीज बना लो या टैटू बना लो, जो बनाना है बना लो, ये बात आपने लाजमी रेफर करनी है. आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि एक ऐसी चीज जो आपके 50% कोर्स को बेस करती है, वो बंदी प्रपोज किसने की थी. 1964 में मीडिया इकोलॉजी की जो कोर थ्योरी थी वो मार्शल मैक्लुहन ने प्रपोज की थी. ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इससे पहले अगर हम द टर्म मीडिया इकोलॉजी, जो एक्चुअली जो टर्म थी मीडिया इकोलॉजी की, वो 1962 के अंदर मार्शल मैक्लुहन प्रपोज कर चुका था. यानी कि अब आप सोचो, हम मार्शल मैक्लुहन को अपनी मीडिया साइंसेस के अंदर बहुत विजनरी इंडिविजुअल के तौर पे जानते हैं. अब आप सोचो, वो मीडिया एनवायरमेंट्स की डेवलपमेंट को आज से कोई 50-60 साल पहले प्रपोज कर चुका है. ठीक है, कि भाई
उसने देख लिया था कि दुनिया के अंदर मीडिया किस तरीके से लोगों के बिहेवियर को, लोगों के कंजम्पशन पैटर्न को, लोगों के आइडियाज़ को पे इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। सही है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आती है। एक्चुअल में मार्शल मैक्लुहान वो बंदा था जिसने इस थ्योरी को प्रपोज किया जिसके मुताबिक हम मीडिया, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन को स्टडी करते हैं और उसका इम्पैक्ट स्टडी करते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट्स के ऊपर। ठीक है, अब जनाब इस चीज को आगे लेके चलते हैं। ठीक है, अब इस थ्योरी को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं कि ये थ्योरी कहती क्या है। चलिए जी, अब इस थ्योरी को डेवलप करते हैं। कहते हैं इकोलॉजी। अब इकोलॉजी रेफर्स टू द एनवायरमेंट इन विच द मीडियम इज यूज्ड। ये जो मैं बात लिख रहा हूं, सही है। अब द मीडियम इज यूज्ड, यानी के इकोलॉजी एक ऐसे एनवायरमेंट को कहा जाता है, ठीक है, जिसमें कोई पर्टिकुलर मीडियम यूज हो। देखिए, अपने जहन में समझने के लिए इस वक्त जहन में रख लें, मीडियम स्टैंड्स फॉर अ टेक्नोलॉजी, मीडियम स्टैंड्स फॉर अ। अब हुआ क्या, इसके मुताबिक इंसानों का एनवायरमेंट, अब मैं आपको एक समझा रहा हूं, इंसानों का एनवायरमेंट, ह्यूमन एनवायरमेंट चेंज हो जाएगा चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से। आपको बहुत बेसिक सी एग्जांपल देता हूं, जरा सा सोचिएगा। जब दुनिया सेंट्रलाइज मीडिया या सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन पर बेस करती थी, और आज की दुनिया जो कि डिसेंट्रलाइज कम्युनिकेशन और डिसेंट्रलाइज मीडिया पर बेस करती है, क्या लोगों के ह्यूमन एनवायरमेंट में चेंजिंग है? We can see a quite important change or quite visible change in the environment of individuals in the human environment, particularly जब से technology change हो रही। ठीक है, अब जरा सा इस line को पढ़ते हैं। Ecology refers to the environment in which the medium is used, यानी कि जिस जगह पर technology, जो technology use हो रही होती है, उस जगह को हम क्या कहते हैं? Environment कहते हैं, ecology कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है, इस मीडिया इकोलॉजी कहती है व्हाट दे आर, यानी कि टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हो रही है, व्हाट दे आर एंड हाउ दे अफेक्ट द सोसाइटी, एंड हाउ दे अफेक्ट द सोसाइटी। बहुत ही सिंपल सी बात है। आज से कुछ अरसे पहले तक अगर मैं बोलूं, मैं जब आपकी एज में था तो ये बड़ा मुश्किल काम था कि कैमरे के सामने मैं अपने फोन का कैमरा या कोई भी कैमरा खोलूं और कैमरे में देखकर बात करूं। इट वॉज अ प्रोफेशन ऑफ एन एंकर, एक एंकर का प्रोफेशन कहा जाता था कि जब एक इंसान कैमरे में देखकर बात कर रहा हो, ऐसा ही, यानी कि मैं बोलूं सामने के नाज़रीन आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम और मैं हूं अब्दुल्ला शाहमी। अब मैं इस ये बात करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम था क्योंकि मेरा प्रोफेशन नहीं था, अगर एज अ स्टूडेंट मैं इस चीज को देखूं। मगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आज हम इंस्टाग्राम के ऊपर, इंस्टाहराम के ऊपर स्टोरीज बनाते, हर बंदा स्टोरीज बना रहा हो, हर बंदा बात कर रहा है कैमरे से, हर बंदा एक ऐसा कंटेंट बना रहा है जिसको लोग, जिसकी पॉसिबिलिटी मिलियंस ऑफ लोगों को देखने की है। तो इंसान का बिहेवियर सिर्फ तब्दील नहीं हुआ, तब्दील हुआ क्यों? क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्टेंट है। शायद अगर मेरी एज के ऊपर मेरे पास ये टेक्नोलॉजी होती, इंस्टाग्राम होता, हमारे पास तो ऑर्कट हुआ करता था भाई, सही है, और वो मनुष्य चीज है जिसके ऊपर किसी और को कोई और रिक्वेस्ट भेजेगा तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो वरना नहीं कर सकते। दोस्तों से बोल रहे थे यार ऑर्कट की रिक्वेस्ट तो भेज दे, सही है। तो सिनेरियोस बहुत चेंज हुए थे। मैंने अपने सामने, मैं कह सकता हूँ, मैंने फेसबुक को आता हुआ देखा था। मैंने अपने कजिन से पूछा था फेसबुक क्या होता है, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं आई थिंक अपने ओल्ड एज में था उसमें, समझ गए। तो वो जब मैं उस वक्त, मैंने उस वक्त पूछा था कजन से कि यार ये होता क्या है फेसबुक, उसने कहा था यार ऑर्कड की तरह से होता है जहाँ पे सब लोग एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? अब क्या होता है,
इकोलॉजी, अब मैं आपको दोबारा बताऊंगा, इकोलॉजी उस एनवायरमेंट का नाम है जिसके अंदर कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी यूज हो रही होती है। हम इकोलॉजिकल थ्योरी में देखते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है, और हम देखते हैं हाउ दे अफेक्ट दी सोसाइटी, हाउ दे अफेक्ट दी एमआरआई। अब जरा सोचो, अगर मैं अपनी एज ग्रुप की बात करूं, जब मैं तुम्हारी एज में था, मुझे पता चल जाए फेसबुक मेरा सारा डेटा यूज करेगा, सही, और मुझे डर लगेगा, मैं सबसे पहले पूछूंगा मेरी अम्मी अब्बू को तो नहीं देंगे, सही है। आज की दुनिया के अंदर तुम सबको पता है तुम्हारा डेटा कॉपी हो रहा है, सही है, तुम्हें सबको पता है तुम्हारी लोकेशन तक फेसबुक अंकल को पता है, तुम्हारे फोन को पता है। एनवायरमेंट, ह्यूमन एनवायरमेंट तब्दील हो गया है, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है। एक टाइम आएगा कि प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं रहेगी इस दुनिया के अंदर, सही है। मैं, आप सोचो ना यार, मैं आपको अपनी एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपकी एज ग्रुप के अंदर, मुझे पता चलता है मेरा फोन मेरी सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा है, तो मैं तो बोलता हूं अम्मी अब तो नहीं बताओगे ना, सही है। ट्रैक हो सकता है, कोई चीज डिलीट नहीं होती, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट होती है, ये तमाम बातें हमें पता होती तो हम बहुत परेशान हो जाते, लेकिन तुम परेशान नहीं हो रहे। इसका मतलब क्या है कि ह्यूमन एनवायरमेंट चेंज हो गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इकोलॉजी रेफर्स टू द एनवायरमेंट इन विच द मीडियम इज यूज, व्हाट दे आर, यानी कि मीडियम क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, एंड हाउ दे अफेक्ट द सोसाइटी, ये तमाम चीजें हमारी मीडिया इकोलॉजी की थ्योरी का पार्ट है। हम इन तमाम चीजों को स्टडी करेंगे। हमारे पास एक और थ्योरिस्ट आते हैं, इनका नाम है नील पोस्टमैन, NEIL, नील पोस्टमैन। नील पोस्टमैन कहते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इन्होंने इस इकोलॉजिकल एनवायरमेंट बड़े जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया। इफ इन बायोलॉजी, ये कहते हैं, इफ इन बायोलॉजी अ मीडियम इज समथिंग, अ मीडियम इज समथिंग इन विच अ बैक्टीरियल कल्चर ग्रोज, अ बैक्टीरियल कल्चर ग्रोज यानी कि जहां पर बैक्टीरिया बन रहे हैं, इन मीडिया इकोलॉजी यानी कि मीडिया के एनवायरमेंट के अंदर, एक सोसाइटी के एनवायरमेंट के अंदर, द मीडियम इज अ टेक्नोलॉजी, द मीडियम is a technology within which a human culture grows, यानी कि मैंने अभी जो आपको example दी कि इंसानों का culture वो develop ही तब होता है जब एक technology आ जाती है। जब दुनिया में एक टेक्नोलॉजी आ जाती है तो ह्यूमन कल्चर जो होता है वो ग्रो होता है। ह्यूमन कल्चर क्या होता है, ग्रो होता है, एम आई राइट, यानी कि इंसानों का कल्चर जो होता है वो ग्रो होता है एज कंपेयर टू, आप बोलते हो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही होती है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही होती है ह्यूमन कल्चर ग्रो होता रहता है, ठीक है। मैंने आपको बहुत बड़ी एग्जाम्पल दी, अब देखो सेंट्रलाइज मीडिया था, आपका ह्यूमन कल्चर डिफरेंट टाइप का था, डिसेंट्रलाइज्ड मीडिया हुआ, ह्यूमन कल्चर डिफरेंट टाइप का हो गया, यानी कि ह्यूमन कल्चर दरअसल मोहताज है उस टेक्नोलॉजी का जो उसको तब्दील होने पर मजबूर करती है, सही है। आपको जिस जिस तरीके से टेक्नोलॉजी मिलती जाएगी ह्यूमन कल्चर ग्रो होता चला जाएगा। बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, मैं उस जनरेशन से हूं जिसने बहुत क्लोजली डिजिटलाइजेशन होते हुए देखिए, हमारे घर में कैमरा था, जो डिजिटल कैमरा, आप जिसको हाफ डिजिटल कैमरा कह सकते हो,
इतना बहुत काफ़ी बड़ा कैमरा था और उसके अंदर दरअसल फ्लॉपी डिस्क लगती थी और चंद तस्वीरें आती थी। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी या केबीस की फ्लॉपी होती है यार, बट उसमें जूमिंग ऑप्शन था, बट आई कैन सी डिजिटली। एक सिमेंस का मेरे पास बैक इन 2001 या 2002 के अंदर मेरा फर्स्ट टाइम कलर्ड फोन आया था, कैमरा फोन मेरे हाथ में आया था। सही है, तो इट मीन्स के ह्यूमन टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। सही है, और बहुत फास्ट ग्रोथ है हम देखते हैं यार। केबीज की फुटेज की जगह के अंदर आप सोचो आज के दौर के अंदर, क्या मेरे फ़ोन के अंदर पता नहीं कितने जीबीज की वीडियोस पड़ी हुई। इट मीन्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मीडिया इकोलॉजी कॉन्स्टेंटली चेंज होगी, मीडिया इकोलॉजी कॉन्स्टेंटली चेंज होगी, इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट चेंज होंगे, लोगों के कंजम्पशन, लोगों का प्रोडक्शन पैटर्न चेंज हो जाएगा। देखो जब तक दुनिया में सेंट्रलाइज मीडिया था, everyone was a consumer of the media, हर बंदा similar level का content consume करता था। देखो पहले ज़माने की societies जो थी ना, वहाँ पर क्या होता था कि हर बंदा एक जैसा दिखता था क्योंकि हर बंदा एक जैसा content consume कर रहा था। आज की society में हर इंसान different है क्योंकि हर बंदा एक different media से interact कर रहा है। Every individual is interacting with a different media. That's why we can say this thing, every individual is different. हर इंसान एक अपने पर्सनल ह्यूमन एनवायरमेंट्स में रह रहा है। तो नील पोस्टमैन की जो थ्योरी है एक्चुअल में वो एक्सप्लेन करती है हमारी जो इकोलॉजी की कोर थ्योरी जो मार्शल मैकलेलन ने हमें प्रपोज की थी। कहता है कि इकोलॉजी रेफर्स टू द एनवायरमेंट इन व्हिच द मीडियम इज यूज्ड। अब इसका मतलब मीडियम को एक्सप्लेन कौन कर रहा है? नील पोस्टमैन। नील पोस्टमैन कह रहा है कि भाई एक्चुअल के अंदर आपकी बायोलॉजी के अंदर उस एनवायरमेंट को जहां पे बैक्टीरिया डेवलप होता है, सही है, जहां पे बैक्टीरियल कल्चर डेवलप होता है, हम उस चीज को मीडियम कहते हैं। अब उसी तरीके से एक ऐसा ह्यूमन एनवायरमेंट जहां पर ह्यूमन कल्चर, जहां पर ऐसा एनवायरमेंट जहां पर टेक्नोलॉजी वो मीडियम का रोल प्ले करेगी और जो ह्यूमन कल्चर को एवोल्यूशन का शिकार करेगी। एवोल्यूशन का शिकार करने का मतलब है कि एक कॉन्स्टेंट चेंजेस आएंगी, डेवलप होगा ह्यूमन कल्चर। सही है, देखो दुनिया के अंदर जितने भी कंजर्वेटिव्स हैं ना, वो इस एवोल्यूशन को सपोर्ट नहीं करते, वो इस एवोल्यूशन को सपोर्ट नहीं करते। उनको लगता है इस एवोल्यूशन की वजह से उनका जो लोकल कल्चर है वो अफेक्ट कर रहा है, लोकल कल्चर अफेक्ट करेगा। लेकिन बहुत सारे जो मॉडर्निस्ट हैं, बहुत सारे जो पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं, बहुत सारे जो ग्लोबल थ्योरीज आइडियाज़ को सपोर्ट करते हैं, वो तमाम लोग नील पोस्टमैन की इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं कि भाई ये टेक्नोलॉजी जो है वो ह्यूमन कल्चर को ग्रो कर रही है, ह्यूमन कल्चर को एक नई एवोल्यूशन की तरफ लेके जा रही है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है ना। देखें आप जिस तरह से देखते हैं कि जब जब मीडिया डेवलप हो रहा है उसने मोनार्कीज़ को नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया है मोनार्कीज़ के लिए, बिकॉज लोगों ने अपने राइट्स के लिए खड़े होना शुरू हो गए, लोग अपने आइडियाज़ के लिए खड़े होना शुरू हो गए, लोग अपने व्यूज़ को डेवलप करना शुरू हो गए, लोगों की नॉलेज की इन्वेस्टमेंट डेवलप हुई, लोगों को मल्टीपल फॉर्म ऑफ ट्रुथ्स पता चले कि यार दुनिया के अंदर ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। एंड दिस इज ड्यू टू द कॉन्स्टेंट डेवलपमेंट ऑफ द मीडिया, मीडिया टेक्नोलॉजी डेवलप हुई जिसकी वजह से ह्यूमन कल्चर ग्रो। ठीक है,